हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक चैलेंज करने वाली हूँ। 3 डेज चैलेंज है ये फेसियल की है। तो फ्रेंड, क्या होता है कि हम जब कभी बाहर जाते हैं, तो जैसे मैं गई थी बाहर 10-15 दिन के लिए, आप लोग भी जाते हैं जब घर से बाहर कहीं भी जाते हैं, तो आप अपने फेस पे या अपनी जो बॉडी है, कहीं किसी चीज़ की आप केयर नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे चल रहा है बस चल रहा है। तो जैसे हम घर में रहते हैं तो फेशियल करवाना या करना, फेस की जो मेंटेनेंस होती है वो हम करते रहते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद हमसे कुछ भी नहीं हो पाता है। तो फेस क्या होता है कि हमारे फेस पे बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ऊपर आने लगती है। एक तो हर लेडीज़ के जो फेस होते हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, तो और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको होती ही होती है। बट जब हम मेंटेन करते रहते हैं और थोड़ा अपने फेस को पैम्पर करते रहते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं करना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है बाहर जब कभी भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो, या फिर अभी जो जैसे समर शुरू हो गए हैं तो समर में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने जो आज ये चैलेंज रखा है ये समर के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल है जिन लेडीज़ को, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी लेडीज़ नहीं है कि जिनको समर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो फेस पे। क्योंकि समर हो या विंटर हो, हर स्किन के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो मेंटेन करते ही रहना होता है। या तो आप खुद से अपने घर में कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कीजिए, या फिर आप पार्लर जाके मेंटेन कीजिए। तो मेरी ये जो वीडियो है ये दोनों तरह के लोगों के लिए है, जो पार्लर में जाते हैं और पैसे खर्च करके फेसियल करवाते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि वो लोग भी एक बार इस चैलेंज को लेकर के देखें। उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और खुद पता चलेगा कि पार्लर से ज़्यादा हम घर में ही अगर खुद से अपने हाथों से या घर के ही सामानों से अगर हम फेसियल करते हैं तो जो उसकी जो ग्लो होती है वो अलग ही होती है, केमिकल फ्री होती है सबसे पहली बात है, और हमें पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करने होते हैं। लेकिन और जो लोग पार्लर पे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे ये चैलेंज है। उन्हें तो यह चैलेंज लेना ही लेना चाहिए। 3 डेज चैलेंज है। जो जॉब करने वाली लेडी है वो तो खैर बिल्कुल उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वीकेंड में इस चैलेंज को ले सकती हैं। और जो हाउसवाइफ हैं, जो लड़की हैं, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ हैं, वो तो कभी भी कर सकती हैं। तो आप एक बार इस चैलेंज को लेकर के देखिए, आपको काफ़ी फर्क पता चलेगा अपने फेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ समय के लिए बाहर गई थी तो मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया था, तो मैं जब घर वापस आई थी तो मुझे खुद भी लगा था कि अरे यार क्या हो गया मेरे फेस को, कितने सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। मीन्स कि चेहरा एकदम से डल हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ये जब मैंने कुछ खुद ही ये फेसियल को किया, 3 दिन में ही मेरे फेस पे एकदम से ग्लो आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मैंने वो जो भी आप जब मेरे पहले दिन के चैलेंज को देखेंगे तो आप मेरे फेस को देख करके समझ जाएंगे कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एकदम से फेस मेरा अच्छा नहीं लग रहा था, डल हो गई थी एकदम से, बिल्कुल ही चमक नहीं थी मेरे फेस पे। और जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इस फेसियल को किया है तो धीरे धीरे करके मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। 3 दिन में मैंने ये किया है। ऐसा नहीं कहूँगी कि 3 दिन में ही आपके चेहरे पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो 3 दिन में ही खत्म हो जाए, मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम चालू हो गए हैं तो वो सब सही हो जाएंगे ये 3 डेज में। लेकिन आपको हमेशा अपने फेस पे, अगर आप होम रेमेडीज यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपने फेस पे यूज़ करना चाहिए, जैसे जब भी समय मिले। ऐसा नहीं है कि हम हर समय लेकर के बैठे रहें, लेकिन जब भी समय मिलता है, काम से समय मिले और जब भी समय मिले रात को ही सोने से पहले आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 डेज चैलेंज है ये थोड़ा अलग है। सामान जो भी इसमें मैंने यूज़ किया है वो सब घर से ही, आपके किचन से ही मिलने वाला है, कुछ भी बाहर का मैंने नहीं लिया है, सब घर में ही रहता है या आपके पास होता ही होता है। तो चलिए इस चैलेंज को मैं शुरू करती हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड, अगर मेरी ये चैलेंज आपको पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये चैलेंज कैसी लगी। तो आगे मैं और भी इस तरह की सीरीज लेकर के आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सारे इन्ग्रीडियंट्स जो है वो मैं जैसे जैसे फेसियल स्टेप बाय स्टेप करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी उसमें।
उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको घर में नहीं मिलेंगे, वो आपको घर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और चलिए चैलेंज मैं शुरू करती हूँ। तो मेरे फर्स्ट चैलेंज देखिए। तो चलिए फर्स्ट डे चैलेंज शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट डे है, तो यहाँ मैंने लिया है दही। ये दही जो है ये होममेड दही है, ये मैंने घर में खुद ही रेडी किया है। और यहाँ एलोवेरा है, एलोवेरा जेल मैंने लिया है। और यहाँ पे मैंने गुलाब जल लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने लेमन लिया है, नींबू है, और इसके जूस हमें लेने हैं। तो यहाँ मैंने हनी मैंने लिया है। और दही जो है ये हमारे फेस पे जो है जितने भी तरह के प्रॉब्लम होगी उन्हें सॉल्व करेगा ये। और यहाँ नींबू मैंने लिया है, नींबू जो है, और गुलाब जल। गुलाब जल के बारे में आपको पता ही है कि फेस के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। मॉइस्चराइजर, ये एलोवेरा मॉइस्चराइजर का काम करता है। और ये भी जो हनी है ये भी मॉइस्चराइजर का काम करता है हमारे फेस के लिए। दही जो है ये हमारे फेस की जो भी झाइयाँ हैं या जितने तरह के प्रॉब्लम हैं उन सब के लिए मैं धीरे धीरे करके आपको बताते चलूँगी। तो दही जो है वो मेन रहेगा तीनों दिन के चैलेंज में। उसके साथ में हम और भी इंग्रेडिएंट को मिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ मैं एक चम्मच पहले दही ले रही हूँ। और इस दही से पहले हमें फेस की जो है वो क्लीनिंग करनी है। तो फेस को क्लीन करने के लिए हम ये क्लींजर का काम करेगा। तो पहले हम फेस को ऐसे क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फेस वॉश ले लिया है फ्रेंड। आप कोई भी कंपनी की फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं वो लीजिए। मैंने यहाँ पतंजलि का ले लिया है। तो इससे हमें अच्छे से अपने फेस पे लगा करके और फेस को वॉश कर लेना है पानी से। तो बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं, बोलते हैं कि आप पतंजलि ही क्यों यूज़ करते हो। तो फ्रेंड मुझे, मैं दो तीन ब्रांड है जिसे यूज़ करती हूँ, इसमें एक पतंजलि भी है। और यहाँ पे अब हमें दही लेकर के, दही से जो है हमें क्लींजर का काम करेगा। तो पहले हम इसे चेहरे पे अच्छे से लगा करके और हाथों से इसे हम पूरे फेस पे लगाने वाले हैं। तो अच्छे से लगाते हुए आपको मसाज है, आपको मसाज कर लेना है अपने फेस पे। मैंने यहाँ पे बालों में मैं बैंड लगाना भूल गई थी फ्रेंड, तो मैंने वही लगा लिया है अभी, जिससे कि मेरे बाल ख़राब नहीं होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से इसे करके इसे क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे के स्टेप शुरू करेंगे। तो हमें इसे 2 से 3 मिनट करना है, उसके बाद हमें फेस को कर लेना है क्लीन। चूँकि अभी फेस पे हमने शुरुआत किया है, फर्स्ट डे चैलेंज है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लेना है हमें इसमें और 2 से 3 मिनट करने हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाने वाले हैं स्क्रबर। तो स्क्रबर के लिए भी हमने यहाँ पे 1 चम्मच दही ली है और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो चीनी है जो, और यहाँ पे मैं लेमन डाल रही हूँ थोड़े से, 8 से 10 बूंद आपको लेमन के जूस डालने हैं। तो इस तरह से ये वो चीनी जो है ये मोटी है, मतलब बहुत मोटी नहीं लीजिएगा। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चीनी के दाने जो है वो स्क्रबर के काम करेंगे। और फ्रेंड ये बहुत ही बेस्ट होता है स्क्रबर के लिए। तो ये आपको अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से लगाते चलना। और आप, मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ, हल्के हाथों से ही कर रही हूँ। आपने भी हल्के हाथों से ही करना है, ज़्यादा अपने फेस पे दबाव नहीं देना है। और एकदम हल्के हाथों से भी नहीं करना और ना ही भारी हाथों से करना है। मतलब इतना ही कीजिए जिससे कि जो आपके फेस को मतलब ये हो जाए, सहन हो जाए, बर्दाश्त हो जाए। और दूसरी बात है क्या कि मैंने यहाँ फास्ट किया, मैं बार बार बोल रही हूँ। और यहाँ पर आप मेरे फेस को देख सकते हैं फ्रेंड। और जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे फेस पर जो शाइनिंग है, वो जो ग्लो है, वो बढ़ती जाएगी। और जो हमने दही यूज़ किया है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको तो सब पता है लेकिन फिर भी मैं बताती हूं कि दही जो है वो हमारे फेस को पर ब्लीच का काम करती है। तो अगर आप दही से फेसियल करेंगे ना, तो दही हो या कच्चे दूध हो, मैं कच्चे दूध पे भी लाऊंगी फेसियल। अगर आपको ये फेसियल अगर आपने पसंद किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आगे मैं ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे फेसियल लेकर के आऊँगी होममेड, जिसमें आपको 1 रुपये खर्च नहीं करने हैं, बस किचन से ही लेना है। तो ये जो दही है, ये दही जो है वो हमारे फेस पे जो है ना, वो फेस के जो कलर है उसे बहुत ही ज़्यादा ये ब्राइट करता है। स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। और धीरे धीरे जब आप इसे मंथ वीक में अगर 1 से 2 बार भी अगर आप फेसियल करते हैं, या 1 बार भी अगर आप इस फेसियल को पूरा फॉलो करते हैं,
तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। बट मुझे पता है कि टाइम कम होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ नाकों पे मैं कर रही हूँ, चूँकि हम स्क्रबर कर रहे हैं, चीनी है तो चीनी के दानों को हमें यहाँ नाक पे, जिससे कि जिसके भी ब्लैक हेड से या वाइट हेड से हों, यहाँ नाक के पर या नाक पे या ठोड़ी पे या नाक के साइड में, तो हमें अपने उंगली की हेल्प से उन सब को ऐसे करना है जिससे कि वो जो भी होंगे, जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होंगे वो निकल जाएंगे, जो डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी और आपकी स्किन जो है एकदम क्लीन हो जाएगी, अच्छे से क्लीन होगी। तो स्क्रबर का पर्पस ही ये होता है कि वो हमारे फेस से जितने भी डेड स्किन होती है और जिनके भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स के प्रॉब्लम होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और जो फेस है वो क्लीन हो जाती है। चीनी यहाँ पे, अगर आपके फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप चीनी को हल्का दरदरा कर सकते हैं, आप उसे ग्राइंडर में डाल के हल्का दरदरा कर ले। और फ्रेंड अपने हाथों को भी ऐसे ही आप कर लीजिएगा, क्योंकि हाथ जो है वही दिखती है ज़्यादा। तो हाथ भी जब हम बाहर जाते हैं, जब हम फेस का ध्यान नहीं रख पाते तो हाथ का तो बिल्कुल भी नहीं रखते, तो हाथों को भी ऐसे ही आपको थोड़ा सा जो भी आप फेस पे लगाइए उन सबको थोड़ा सा हाथों पे भी अपने स्किन पे आप उसे हल्का हल्का रब कर लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और फेशियल के जो थोड़े बहुत स्टेप है वो मैं आपको हमेशा अपने हर फेशियल में बताती हूँ, तो आप उसको धीरे धीरे करके सीखिए और फॉलो कीजिए। अब यहाँ मैं इसे कर देती हूँ क्लीन। मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसे किया है हल्के हाथों से, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं, बट हम जब पहले चैलेंज का ये फर्स्ट डे है इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम देना है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ आपको। और आप इस चैलेंज को करके देखिएगा फ्रेंड, आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ फिर से हम दही ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पर मसाज के लिए क्रीम बनानी है, रेडी करनी है, मीन्स मसाज करनी है हमें। तो यहाँ मैंने दही लिया है, एलोवेरा जेल मैं ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हनी लूँगी। हनी में हमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून लेनी है, तो मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए 1/2 टीस्पून मैंने डाली है, तो इस तरह से है मैंने यहाँ पे डाला है। अब मैं यहाँ पे लेमन जूस ले रही हूँ। लेमन जूस हमें हर ये स्क्रबर और मसाज क्रीम सबके साथ में हमें लेमन जूस को लेना है। अगर लेमन आपके फेस पे सूट नहीं करता है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे इसे स्किप कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो भी चीज़ आपके फेस को सूट नहीं करता उसे आप स्किप कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया है तो आपको हर चीज़ डालना ही है, चाहे वो आपके फेस को सूट करे या ना करे, ऐसा बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। और मेरा कभी भी मैं कोई फेशियल बताती हूँ तो मेरे बताने का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो चीज़ आपके फेस पे सूट नहीं करता है आप वो सामान उसमें नहीं डालेंगे। नींबू अगर नहीं सूट करता है तो नींबू के बगैर भी आप इस फेशियल को करेंगे और उतना ही आपके चेहरे पे ग्लो आने वाला है, क्योंकि वो आपको सूट ही नहीं करता है तो आप क्यों करेंगे। लेकिन जिनको नींबू सूट करता है तो उनको नींबू डालना है। ऑयली स्किन वाले को नींबू एकदम डालना है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले अगर नींबू नहीं डालेंगे तो वो उन्हें पिंपल की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं जो फेस पैक बताऊँगी बाद में पैक लगाने का, उससे ये जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होंगे फेस के वो निकल जाने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। जब तक पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और चूंकि ये चैलेंज है तो चैलेंज तो पूरा आपको देखना है। जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे, सीखेंगे और फिर आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। तो यहाँ हमें ऐसे ही अपने हाथों से इसे अच्छे से मसाज कर लेना है। और दही जो है वो हमारे चेहरे की जो भी छाइयाँ होती हैं उन्हें दूर करती है। हम धूप में जाते हैं तो हमारी चेहरे जो हमारे फेस है वो काफ़ी टैन हो जाते हैं, तो उससे भी हमारे जो दही है हमें रिलीफ देती है। आप कभी भी धूप में जा रहे हैं और आपको पूरी फेशियल करने का समय नहीं है, तो धूप से अगर आप आए हैं और आपके चेहरे पे लग रहा हो बहुत ज़्यादा चेहरा आपका टैन हो गया है, तो आप थोड़ी सी दही को मिक्स करके अच्छे से ठंडी दही निकाल करके, अगर ठंडी दही सूट करती है आपको तो आप पूरे फेस पे लगा लीजिए और 10 मिनट के बाद फेस को क्लीन कर लीजिए। तो वो जो भी आपको लग रहा होगा कि मेरा फेस टैन हो गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिलीफ मिलने वाली है। यहाँ हम उंगली की हेल्प से अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जब हम अपने चिक को लिफ्ट करेंगे तो जो हमारी स्किन है वो तनेगी। वैसे ही हमें उंगली से माथे की भी स्किन को भी करना है, जिससे कि माथे पे जो भी रिंकल्स वगैरह पड़ रहे हों वो क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और आपके फेस पे जो शाइनिंग, जब तक आपके फेस से सारे रिंकल्स निकलेंगे नहीं धीरे धीरे, तब तक आपकी और स्किन टाइट नहीं होगी, तब तक चेहरे पर चमक नहीं आएगी।
तो हमें वही करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप बताए जा रही हूँ। और फ्रेंड मैंने यहाँ पे कोई ब्लीच वगैरह का यूज़ भी नहीं किया है, मैं ब्लीच वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो आप जब दही की पूरी फेशियल जब आप 3 दिन के चैलेंज लेंगे तो जब आपकी फेस जो दिखेगी वो बिल्कुल लगेगी कि आपने ब्लीच वगैरह किया हुआ है, इतने अच्छे आपके फेस लगेंगे जैसे आपने पार्लर से ब्लीच और फेशियल दोनों करवाए हों वैसा आपका फेस लगेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे लगा देती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस फेशियल से आप गोरे हो जाएंगे, जो आपके कलर हैं वही रहेंगे, जो चेहरे की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे आपके। बट 3 दिन आपको ये चैलेंज लेना और 3 दिन में आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। हाँ, मैं नाक को के पास में या अंगूठे से कर रही हूँ, जिससे नाक के पास में अगर स्किन थोड़ी सी फैल वैल जाती है या नाक थोड़ी भी फैली वगैरह लग रही है कि जैसे होता है थोड़ा सा भी, तो वो थोड़े से शेप में आ जाते हैं अच्छे से। वैसे ही हमें ठोड़ी में अपर लिप के पास भी करना है कि थोड़े से भी स्किन वगैरह अगर ढीली हो गई है तो वो टाइट होती है। जिनकी प्रॉब्लम है हो जाने, क्योंकि कभी कभी उम्र से पहले भी बहुत कुछ स्किन पे फेस को सब कुछ झेलना पड़ता है, तो फेस पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उन्हें आप मसाज के ही थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम पूरी मसाज को पहले कर लेते हैं। और फ्रेंड आप इस पूरी चैलेंज को देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो, और मेरे बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में इसे खूब सारा शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिले। क्योंकि बहुत सारे जैसे हमें प्रॉब्लम हो रही है या आपको होती है, तो उस तरह से बहुत सारे लोगों को इस तरीके के लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ज़रूर बताइए। अगर आपके फैमिली फ्रेंड में हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात है कि ये सारे फेशियल और सारे चैलेंज जो हैं वो जेंट्स भी कर सकते हैं, तो आप अपने पापा भैया या आपके हस्बैंड जो भी हैं उन पर भी आप कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारी जो मसाज है वो हो चुकी है, हमने कर लिया है। तो ये मैंने 5 से 7 मिनट तक किया था, आप कम से कम 5 मिनट ज़रूर देखिए करिए घड़ी देख करके। और यहाँ पे हमें 5 मिनट तक इसे कर लेना है, और उसके बाद हमें गीले टॉवल से चेहरे को पहले पोंछना है, उसके बाद हमें अच्छे से पानी से इसे धो लेना है। तो मैं हर स्टेप में पहले पानी से इसे गीले टॉवल से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी दे करके अच्छे से फेस को क्लीन कर लेती हूँ। देखा, मैंने पानी डाल दिया है पूरे फेस पर ताकि सब क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। अब इसके बाद हमें पैक लगाना है, तो ये साफ़ करके मैं पोंछ लेती हूँ। और चलिए अब हम पैक बनाने की तैयारी भी करेंगे। देखिए हम ये स्किन आपको स्टेप बाय स्टेप लग रहे होंगे कि क्लियर हो रहे हैं, और मुझे खुद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी मेरे फेस, तो काफ़ी मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब यहाँ पे हम पैक बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे ले ली है 1 से 1.5 चम्मच के करीब दही है। यहाँ पर मैं जो लेने वाली हूँ ये मसूर की दाल है, मसूर जो पिंक कलर की होती है रेड वाली, मैंने उसके पाउडर यहाँ पे ऐड किए हैं। बट उसके कलर थोड़े से आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ मसूर दाल लिया है। अगर आपके पास मसूर का दाल नहीं हो तो फिर आप मसूर दाल का पाउडर नहीं हो, ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है पाउडर, अगर ये नहीं हो तो आप इसकी जगह पर चावल के आटे भी डाल सकते हैं या फिर बेसन डाल सकते हैं, चने के बेसन। लेकिन अगर मसूर दाल का पाउडर हो तो आप ज़रूर उसे वही डालिए। अब इसे मैंने कर लिया है मिक्स, और इन्हें हमें लगा लेना है अच्छे से अपने पूरे फेस पे। मसूर की दाल जो होती है ना, वो हमारी स्किन की शाइनिंग को बहुत बढ़ाती है, कलर को भी ये अच्छा करती है, स्किन को टाइट करती है। सबसे मेन बात है कि मसूर की दाल में इतनी ये होती है कि मतलब वो हमारी स्किन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट करती है, स्किन पे अच्छी शाइनिंग आती है, काफ़ी ग्लो करता है फेस हमारा जो होता है। अगर मसूर दाल की आप उपटन लगाते हो, मैंने जैसे बताया हुआ है उपटन के बारे में भी, तो ये मसूर दाल की उपटन जो है वो शाल पूरे शाल आप लगा सकते हैं, और किसी भी फेस मतलब किसी भी स्किन वाले को ये सूट करेगा। दूसरी बात है ये पूरी फेसियल आप अपने फैमिली में जेंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है बहुत तरह की, तो आप अपने पापा भैया या हस्बैंड जो भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम है उनको कर सकते हैं। मैंने पैक को लगा लिया था, 10 मिनट हो चुकी हैं, हमें 10 मिनट तक रखना है। जैसे ही सूख जाए, हल्के हल्के सूखने लगे, तो आपको यहाँ पे टॉवल को गीला करके इसे क्लीन कर लेना है अच्छे से। अच्छे से इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ पूरे फेस को, उसके बाद मैं पूरे फेस को वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें इसे
मसूर दाल दही के साथ मिक्स थी और हमें एकदम से इसे ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा गीला ही रहे तो ही क्लीन कर लेना। अगर गलती से आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया इसे सूखने देने में और ये पूरी टाइट हो गई है फ्रेंड, तो आप हल्का सा पानी का छींटा दे करके अपने हाथों हल्के हल्के हाथों से पहले पूरे चेहरे पर हाथों को घुमा के उसे थोड़ा सा ये कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आप पानी से वॉश करेंगे टॉवल से पोंछ के। अब यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र बना रही हूँ, मतलब मॉइस्चराइज़र प्लस टोनर दोनों का काम करने वाला है ये। तो मैंने यहाँ एलोवेरा जेल लिया है 1/2 टीस्पून और यहाँ मैं गुलाब जल ले रही हूँ डाबर का, तो ये मैंने 10 बूंद के करीब मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ टिट्री ऑयल, तो मैं ये जो टिट्री ऑयल है ये अगर आपके पास हो तो आप इसे डालिएगा, आप दिख रहा होगा आपको ये टिट्री ऑयल है, तो ये अगर आपके पास है तो आप इसे दो से तीन बूंद इसमें डालिएगा, अगर नहीं हो तो इसके जगह पर आप थोड़े से आप बादाम के तेल आप दो बूंद डाल सकते हैं, और वो भी नहीं डालना अगर चाहें तो फिर आप नहीं डालिए। वैसे हमने मसूर दाल का पैक लगाया था इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल चाहिए फेस पे, तो इसलिए मैंने यह टिट्री ऑयल चूँकि मेरे पास था इसलिए मैंने डाला। आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप बादाम के तेल दो बूंद डाल के अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पे लगाइएगा। ये लास्ट में एक टिप्स है जिसे आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और ये आपके फेस पे ऐसी शाइनिंग लाएगा कि आपको पूरी फेशियल का लास्ट में जो ये होता है ना कि मतलब उसे उसका जो रिजल्ट लाना होता है वो आपको इसी मॉइस्चराइज़र प्लस टोनर जो भी मैंने अभी बनाकर आपको दिखाया है इससे आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ये लगा लिया है, इसे अच्छे से हमें फेस पे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड हमारी ये जो चैलेंज 3 डेज चैलेंज का ये फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया है, आपको अब सेकेंड डे का जो चैलेंज है उसे भी देखना है और थर्ड डे वाले चैलेंज को भी देखना है, और पूरा चैलेंज आपको देखना है फ्रेंड। और आपको ये जो चैलेंज पसंद आए तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड और मेरे फेस पे कितने ज़्यादा ये शाइनिंग आ गई है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।